नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और हमारे यूट्यूब चैनल क्या करें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे हमारे मोबाइल में जो इंस्टॉल ऐप है उसको हम एसडी कार्ड में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़े उसको हम फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैं इस विषय में एक वीडियो बनाया था और जिस एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया था वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, तो इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा आपके लिए बनाया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, ये प्ले स्टोर में जाना होगा। आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा मूव ऐप टू एचडी कार्ड, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत से एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये देख लीजिए ठीक से, ये वाला इंस्टॉल करना है आपको। और मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ तो इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। मैं बाहर आ जाता हूँ और अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ पहले। अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। ये देखिए लोडिंग हो रहा है, अभी खुल जाएगा ये फ्रेंड्स। ये देखिए खुल गया है। ये देखिए हमारे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सा भी एप्लीकेशन जो है हमारे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ये खुल जाएगा, जो जिस एप्लीकेशन में आप क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको ऊपर ये जो एक ऑप्शन आ रहा है मूव ऐप टू एचडी कार्ड, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको ये देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे है अन इंस्टॉल, यानी कि यहाँ से आप एप्लीकेशन को अन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको एचडी कार्ड में लेना है तो यहाँ पे बैकअप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आपको जो एप्लीकेशन इसमें से एचडी कार्ड में ट्रांसफ़र करना है उस पर क्लिक करें, ठीक है। मैं ये पहला वाला एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए सिर्फ क्लिक किया और ये डायरेक्ट उसमें चला गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम दिखा देते हैं कि हमारे एचडी कार्ड में जो है ये एप्लीकेशन गया है या नहीं। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ यहाँ से, और मैं चलता हूँ अब फाइल मैनेजर में, ठीक है। ये देखिए फाइल मैनेजर मेरा खुल गया। अब ये एचडी कार्ड में मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए यही पहला वाला जो फोल्डर है उसी एप्लीकेशन का फोल्डर है, ठीक है। ये देखिए एडसेंस, ठीक है, यही एप्लीकेशन जो है मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया। बाद में मैं इसको फिर से इंस्टॉल कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।